ये तस्वीरें उस योजना की है जिसे पीएम मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना कहा जाता है। जी हाँ, पीएम आवास योजना की। लेकिन हाल क्या है तस्वीर बताने के लिए काफी है। दरअसल मध्य प्रदेश के सिवनी में 116 गरीब परिवार बीते 5 सालों से पीएम आवास का इंतजार कर रहे हैं। इन गरीब परिवारों से सिवनी नगर पालिका ने अगस्त 2018 में 20,000 रुपए जमा करा लिए और एक साल में आवास बनाकर देने का वादा किया। आधे अधूरे बने मकान अब खंडर बन गए हैं। एमपी तक की टीम ने जब मौके पर जाकर देखा तो सारे मकान अधूरे नजर आए। किसी मकान में दीवार है तो किसी का प्लास्टर नहीं है और कहीं बनी हुई दीवार टूट गई है तो कहीं सिर्फ छत डाल दी गई है। इस घर को पाने के लिए 40 साल के विजय डहरिया, जो ऑटो चलाकर परिवार पालते हैं, उन्होंने 5 साल पहले पत्नी के गहने गिरवी रखकर 20,000 रुपए नगर पालिका में जमा कराए थे। हमने 2018 में 20,000 जमा किए थे और अपने घर के जेवर रख के जमा किए थे। इन्होंने बोला नगर पालिका वालों ने कि हम तुमको मकान बना के दे देंगे और आप जल्द से जल्द 2 दिन में 20,000 रुपये जमा कर दो। तो हमने सारे गहने रखवा दिए गिरवी और 20,000 जमा किए और अभी तक 6 साल हो गए, अभी तक मकान नहीं मिला हमें। क्या नाम है तुम्हारा? हम विजय डहरिया। यही हाल 55 साल की पुष्पा विश्वकर्मा का है, जिन्होंने इस उम्मीद में 20,000 रुपए जमा कराए कि जल्द ही अपने मकान की मालकिन बन जाएंगी, लेकिन अब भी शहर से दूर एक किराए के मकान में रह रही है। क्या प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसे जमा किए हैं? जी। कितनी राशि जमा की? 20,000। कब जमा किया आपने? 2018 में, मतलब 5-6 साल हो गए। जी, तो अभी तक क्या बोलते हैं? अभी तक तो सर बने ही नहीं है, बोलते हैं कि अभी टाइम लगेगा, बोले अभी प्रोसेस चल रही, बोले बस यही बोलते हैं। जब इस पूरे मामले में अधिकारी महोदय से सवाल किया गया तो जो जवाब मिला, जरा वो भी सुन लीजिए। इस संबंध में अभी नया ठेका हुआ है, पूर्व में जो ठेका था वो निरस्त कर दिया गया है। निरस्त करने के उपरांत पुनः टेंडर किया गया। टेंडर करने के बाद टेंडर आए हैं, राधिका इंजीनियरिंग वर्क्स को मिले हैं, उसको अभी कार्यादेश जारी किया गया है। क्या प्रक्रिया रही सर, आप विस्तार से बताएं थोड़ा सा। कब, जैसे हमने लाभार्थियों से बात करी तो 2018 में उनसे पैसे लिए गए, कौन सी कंपनी ने काम लिया, कितने पैसे लिए, क्यों काम छोड़ दिया, ये विस्तार से अगर आप बताएं। विस्तार से अभी बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि टेक्निकल मामले हैं। टेक्निकल मामले के लिए प्रकरण की समीक्षा करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, इसके बाद बता पाएंगे। तो कब तक दे पाएंगे सर आवास उनको? बस कल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वो लोग रह कब से पाएंगे सर? रहना 1 साल लगभग लग जाएगा। और लग जाएगा? हाँ, मतलब 6 महीने तो मान के चले लगेगा, मतलब लगभग 7 साल हो जाएंगे कम। जी जी। और क्या योजना है सर, कितने के फ्लैट हैं आपके मुताबिक और उनसे क्या अंशदान लिया जा रहा है? अंशदान तो 20,000 रुपये करीब लिया गया है और 1,80,000 रुपये करीब अभी लिया जाना शेष है उन लोगों से। हाँ, और क्या फ्लैट की कीमत है सर? मेरे ख्याल से यहाँ का तो अभी रेट नहीं मालूम, लगभग 3 लाख होना चाहिए जहाँ तक। आपको बता दें कि साल 2018 में शहर के 116 गरीब परिवारों को पीएम आवास देने का ऐलान किया गया। शहर से लगे कंडीपार गाँव में गुजरात की एक कंपनी को ठेका मिला। कंपनी ने काम शुरू किया लेकिन बीच में ही काम बंद कर दिया गया और अब ये मकान खंडर बन चुके हैं और जिनको मकान मिलना है उनकी उम्मीद बिखर गई है। सिवनी से पुनीत कपूर की रिपोर्ट एनपी तक।